गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोढ़न कियो सब पीरन के पीर। सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा चारों युगों में इस धरा पर आते हैं और आम साधारण व्यक्ति की तरह लीला करते हुए मानव समाज को सद्भक्ति मार्ग देकर चले जाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से सतलोक से चलकर कबीर प्रभु जी काशी के लहरतारा नामक तालाब में एक कमल के फूल पर सन 1398 ईस्वी संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे। उन्हें नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपत्ति ने पाला था। बात 1403 ईस्वी की है जब कबीर प्रभु जी 5 वर्ष के थे। बालक रूप परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 5 वर्ष की आयु से ही अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान में उस समय के सुप्रसिद्ध विद्वानों, ब्राह्मणों, काजी और मौलवियों के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक लीला है परमेश्वर कबीर जी द्वारा 104 वर्षीय काशी के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने और उनको अपने अनमोल सत्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करने की। रामानंद स्वामी जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर नहाने जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो नहाने गए, जैसे ही स्वामी रामानंद चलकर नदी के किनारे सीढ़ियों से उतरने लगे, स्वामी रामानंद जी के पैर के खड़ाऊ कबीर प्रभु के सर पर लगते हैं। बालक कबीर जोर जोर से रोने लगे। रामानंद जी के चेहरे के भाव बदलकर चिंता वाले हो गए। वो नीचे की तरफ झुके। जैसे ही रामानंद जी झुकते हैं, उनकी गले की कंठी, जो कि एक तुलसी के मनके की होती है, पौड़ी पर बैठे कबीर जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी रोते हुए बालक रूप में परमेश्वर के सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने? रो मत बेटा, राम राम बोलो, राम राम। राम राम कहने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बच्चा जरूर अपने माँ बाप से बिछड़ कर यहाँ आ गया है। ऐसा करता हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे आश्रम ले चलता हूँ और फिर इसके माता पिता के बारे में पता करता हूँ। स्वामी रामानंद जी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य भी प्रचारक रूप में बना रखे थे। स्वामी जी के उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको स्वामी जी द्वारा काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक भी नियुक्त किया हुआ था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन जब ऋषि विवेकानंद जी शाम के समय विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे, श्री हरि विष्णु जी ही सभी के रक्षक व पूर्ण परमात्मा हैं। उन्होंने ही राम जी और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में भगवान विष्णु ही अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वेद पढ़े पर भेद न जाने बांचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूले सृजनहारा। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद बोन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय 4 चल रहा है, 123 पृष्ठ पे।
भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसका क्या अर्थ है, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया, वे सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। पवित्र शिव पुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम छठा अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। देवर्षि एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वित्रे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने, अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, काल और दुर्गा ने, और वहाँ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। फिर काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया, वहां दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। भगवान विष्णु इनकी ही संतान है। ये सब झूठ बोल रहा है, और ये सब छोड़, तू ये बता तू कौन है, किस जाति का है, गुरु कौन है तेरा? ये तो जुला है, नीमा नीरु का पुत्र है। हे ब्राह्मण, मेरे गुरु भी वही है जो आपके गुरु है। अच्छा, तुझे पता भी है मेरे गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। जी पंडित जी, मेरे गुरुजी भी स्वामी रामानंद जी ही हैं। झूठ, सरासर झूठ। देखो भाइयों, ये जुलाहा सरेआम झूठ बोल रहा है। मेरे गुरुजी तेरे जैसे अछूत के दर्शन भी नहीं करते। शिष्य बनाना तो बहुत दूर की बात है, कल सुबह तुझे गुरुजी के समक्ष पेश करूंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, गुरुदेव तुम्हें स्वयं दंड देंगे। मेरे गुरु का नाम मिट्टी में मिलाता है, तुम भी आना भाइयों, देखना अपनी आंखों से, इस कबीर जुलाहे का झूठ कल सबके सामने आ जाएगा। हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे। अरे पंडित जी, कम से कम मेरे सवाल का उत्तर तो देते जाइए। विवेकानंद सीधा रामानंद जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रामानंद जी भी गुस्सा हो गए कि आखिर कैसे एक जुलाहा खुद को मेरा शिष्य बता सकता है। हे गुरुदेव, एक छोटी जाति का जुलाहा अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। क्या नाम है उसका? गुरुदेव उसका नाम कबीर है। कबीर? हाँ गुरुदेव, कबीर। हे गुरुदेव, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है।
हमें महाशर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज उसने भरी सभा में कहा कि पंडित स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। झूठा है वो, सरासर कपटी है वो जुलाहा। वो कैसे मुझे अपना गुरु बताता है? उसको कल लेकर आओ मेरे सामने, और उन सभी को भी बुला लेना जिनके सामने उस तुच्छ जुलाहे ने तेरी बेइज्जती की है। कल सभी के समक्ष उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। नीरू जुलाहे का घर कहां है? नीरू सुनो, नीरू क्या हुआ भाई? बड़े परेशान दिख रहे हो। विवेकानंद अपने साथियों के साथ कबीर को पकड़ने आ रहा है, आपका घर पूछ रहा है। लगता है कबीर ने इनको कुछ कहा है। इसे समझाओ, इनसे पंगा ना ले। क्या कौन आ रहा है? हमें हमारे कबीर के लिए कौन आ रहा है? कौन पकड़ेगा? नीमा और नीरू डर जाते हैं और कबीर को झोपड़ी के पीछे ले जाकर कंबल से उड़ाकर छुपा देते हैं। तभी विवेकानंद वहां पहुंच जाता है। कहां है वो दंड बाला कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, आज सबके सामने गुरुजी उसकी पिटाई करेंगे। हे ब्राह्मण जी, क्या बात है, इतना क्रोधित मत होइए। हमारा कबीर किसी का अपमान कर ही नहीं सकता, न जाने क्यों आप हमारे कबीर के पीछे पड़े हैं। मेरा कबीर यहाँ नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। तोड़ डालो इसकी झोपड़ी को और ढूंढ कर निकालो उस अधर्मी कबीर को। रुक जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे कबीर को कुछ नहीं। घर में घुसकर विवेकानंद और उसके शिष्य तोड़ फोड़ करने लगते हैं तो कबीर प्रभु जी से नहीं रहा जाता, वो सामने आ जाते हैं। हे विवेकानंद ब्राह्मण, मैं यहाँ हूँ झोपड़ी के पीछे। झोपड़ी के पीछे, पकड़ो उसे। विवेकानंद उन्हें बंदी बना लेता है। फिर जब नीमा और नीरू कबीर प्रभु को बचाने की कोशिश करते हैं तो विवेकानंद उन्हें धक्का मारता है और हिंसा करते हुए कबीर प्रभु को रामानंद जी के पास ले जाता है। विवेकानंद और साथ आए शिष्य बालक को छुड़ाने के लिए बीच में आए नीरू और नीमा के ऊपर भी हाथ उठाते हैं। को भी कुछ गुंडे लाठी डंडों से मार मार कर मृत समान कर देते हैं। साच कहो जग मार ही या झूठ कही ना जाई हो, साच न पूरा पावते ये झूठे जगपति आई हो। एक तरफ विवेकानंद कबीर प्रभु जी को पकड़कर रामानंद जी के पास ला रहा था और दूसरी तरफ रामानंद जी ने अपनी कुटिया के बाहर एक बड़ा सा पर्दा लगवा दिया जिससे रामानंद जी की नजर शूद्र पर ना पड़े। हे स्वामी, आपके आदेश के अनुसार पर्दा लगवा दिया है जिससे कबीर की नजर आप पर ना पड़े। कबीर को इस पर्दे के पीछे ही खड़ा किया है। मारो इसे, इसने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। मारो, हमारे ईश्वर की निंदा की है इसने। मारो इसको, मारो इसे, मारो, मारो। शांत, शांत, शांत। आप सभी शांत रहें। गुरुजी खुद ही इस अधर्मी को सजा देंगे। कौन है तू जुलाहे? मैं सतलोक का निवासी हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मेरा नाम कबीर देव है, ये सृष्टि मुझ पर ही आश्रित है। तू हार्ड मांस का बना मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला नीच जुलाहा जाति का बालक है।
तू खुद को परमात्मा कहता है? सत्य यही है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो भी मुझे आनंद आ रहा है गुरुदेव। तू ऐसे नहीं मानेगा ना जुलाहे। तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं पहले पूजा कर लेता हूँ फिर तुझे देखूंगा। कहीं ये बालक सच में तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी पूजा साधना के बाद सोच समझ के बात करूंगा। 104 वर्ष के रामानंद, जो कि सालों से ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान करते हुए ही ध्यान में ही भगवान की काल्पनिक छवि बनाते और उनकी पूजा करते। लेकिन उस दिन ध्यान में कुछ अलग हुआ। स्वामी जी कल्पना में खड़े होते हैं और श्रद्धा से नंगे पैरों जाकर गंगा से जल लेकर आए और ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगाया और भगवान के सर पर मुकुट रख दिया। तब पास में रखी कंठी पर ध्यान गया और कल्पना में ही बोले, हे भगवान, आज तो कंठी डालना ही भूल गया। फिर कंठी उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे, लेकिन माला मुकुट में फंस गई। अब स्वामी जी चिंतित हो गए और कल्पना में ही सोच रहे हैं, हे भगवान, आज ये आपके दास के साथ क्या बनी? यदि कंठी नहीं डाली तो पूजा अधूरी रह जाएगी, और अब यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं बनी थी। हे प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? आज का तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। जब स्वामी जी मन ही मन में व्याकुल हो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी पर्दे के पीछे से बोले, हे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए, इस माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इस माला को बांध दीजिए, फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहिब जी की पर्दे के पीछे से आवाज सुनी तो उन्हें एकदम झटका सा लगा। वो एकदम आंखें खोलकर चौंक जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि, हे भगवान, ये क्या? यहां ना तो कोई मूर्ति है और ना कोई माला। मैं तो काल्पनिक पूजा कर रहा था और मेरे मन में चल रही इस काल्पनिक क्रिया को इस बालक ने कैसे जान लिया? ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मेरे इस भजन क्रिया को तो केवल भगवान ही जान सकता है। ये तो साक्षात भगवान है। आपने तो मेरे मन की बात बता दी। आप तो स्वयं भगवान आए हो। आप कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ, आप कोई साधारण बालक नहीं हो। फिर स्वामी जी को महसूस हुआ कि बालक कबीर के शरीर में कहीं हड्डियां तो महसूस हो ही नहीं रही। तभी वो बालक कबीर को सीने से हटाकर उनके हाथ पैर यानी शरीर को दबा दबा कर देखने लगे। हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कोमल है, जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। लगता है कि बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग हिल गया है, जो शूद्र को गले से लगा लिया। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी कुछ शंका है। कैसी शंका गुरुदेव? हे भगवान, एक बात समझ नहीं आई, आपने झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ स्वामी जी? आप कह रहे थे कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, लेकिन मैंने तो आपको कभी नाम दीक्षा नहीं दी। स्वामी जी, याद कीजिए, एक समय आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे, मैं वहाँ पौड़ियों पर लेटा हुआ था, आपके पैरों की खड़ाव मेरे सिर पर लगी थी और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। तब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा राम राम बोलो। तो स्वामी जी, आप मेरे गुरु बन गए और मैं आपका शिष्य।
मेरा तो उद्देश्य ही वहाँ पर आपसे दीक्षा लेना था। हाँ, अब याद आया। परंतु वो तो बहुत छोटा बच्चा था। वो देखिए स्वामी जी, क्या मैं ऐसा था? स्वामी जी ने जिधर बालक कबीर जी इशारा कर रहे थे, उधर 2.5 वर्ष के उसी बालक को चारपाई पर लेटा देख चौंक जाते हैं, और बार बार कभी 5 वर्ष के रूप में खड़े परमात्मा को देखते हैं, तो कभी 2.5 वर्ष वाले रूप को। फिर आंखें मल मल कर देखते हैं कि कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इतने में 2.5 वर्ष वाला बालक चारपाई से हवा में उड़ा और 5 वर्षीय बालक के रूप में खड़े कबीर साहेब जी में समा गया, और 5 वर्ष वाले बालक के रूप में कबीर साहेब जी वहीं खड़े हैं। मेरा संशय मिट गया। आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं, हे परमेश्वर। आपको हम कैसे पहचाने? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हैं? कैसे एक छोटे से बालक के रूप में धोती कुर्ता पहने जुलाहा जाति शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए हैं दाता? हे मालिक, हम तुच्छ बुद्धि जीव आपको कैसे पहचाने? अपने इस अनजान बालक की गलती क्षमा करना प्रभु। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य। नहीं भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान, आपके बच्चे की कुछ और शंकाएं हैं जिनका निवारण चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ स्वामी जी, बोलो आपकी क्या शंकाएं हैं? हे कबीर देव, मैं अपने शिष्यों को राम नाम जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो आप मुझे वो मंत्र बताइए जो मैं अपने शिष्यों को देता हूँ। स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो। आपने जो मंत्र बताया ये तो सही है, लेकिन एक शंका और है, कृपया उसका भी समाधान कीजिए। पूछिए गुरुदेव जी। मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वो आपके पास नहीं है। हे गुरुदेव, आप एक तुलसी की कंठी माला देते हो गले में पहनने के लिए। ये देखो गुरुदेव, उस दिन पंचगंगा घाट पर आपने ही तो अपने गले से निकालकर ये कंठी मेरे गले में पहनाई थी। ये सारी लीलाएं देखकर व बालक रूप में खड़े कबीर परमात्मा की बातें सुनकर स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसके बाद कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को अपने उसी 5 वर्ष के बालक के रूप में अपने साथ यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और फिर अंत में सतलोक में ले जाते हैं। ये सतलोक है। सतलोक में नूरी आत्माएं घूमती हुई, सफेद वृक्ष, सफेद फल, फूल, महल, दूधों की नदियां दिखती हैं, हीरे मोतियों के चमकीले पहाड़, सफेद वस्त्रों में मोतियों की माला पहने आत्माएं सतलोक में घूमती हुई, फिर वो दोनों एक बड़े से गुंबद नुमा महल के अंदर सतलोक में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी एक गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं। दोनों उस सिंहासन पर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब बालक रूपधारी कबीर देव उस सिंहासन के पास जाते हैं और सिंहासन पर बैठे अपने अन्य रूप पर चवर करते हैं। ऐसा देखकर रामानंद जी सोचते हैं, इसका मतलब कबीर देव जी इस सिंहासन पर बैठे सच्चे परमात्मा के सेवक हैं। तभी सिंहासन पर विराजमान तेजोमय परमात्मा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कबीर देव जी के सामने हाथ जोड़कर कबीर देव जी को बैठने का आग्रह करने लगे। बालक रूप में कबीर परमात्मा सिंहासन पर बैठ गए और पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा बालक कबीर को चवर करने लगे। रामानंद जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी फिर तेजोमय परमात्मा एक प्रकाश पुंज में बदल गया और फिर वो उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। अब बालक कबीर जी का शरीर भी उतना ही तेजोमय हो गया जितना कि पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा का था।
बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलनहार, दोहू ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीब दास हम कारण तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तो रूप बिना और न दूजा अंश। हे परमात्मा, आप जी स्वयं ही दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो, आप ही निज ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हो, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हो। मैंने आपका वो सनातन परम धाम आंखों देख लिया है, आप ही परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो, और आप ही हंस अर्थात अच्छे बुरे को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त भी हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरु जी। स्वामी जी, आप मेरे गुरु जी ही बने रहो, मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में संत भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कौन सा गुरु बनाया था, इसलिए स्वामी जी संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरु जी की भूमिका कीजिए, तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं आप वैसे भक्ति कीजिए। ठीक है परमात्मा, जैसे आपकी आज्ञा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के ब्राह्मण को तत्व ज्ञान से परिचित कराया, और गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए कबीर साहेब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। यह अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संग्रह किया गया है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी मंगल प्रवचन।